बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डिलीशियस पॉट। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। आज हम पकाएंगे सरसों के फूल बीफ के साथ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंज़र है। सरसों के फूल में विटामिन डी वाफर मकदार में पाया जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने फूल तोड़ लेने हैं और ये विटामिन डी आपकी जिल्द को अल्ट्रा वाइट शुवाओं और दूसरी मौलियाती आलूदगी से महफूज रखता है। ये देखें, सुबहान अल्लाह, इसमें मौजूद चिकनाई फूल में कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह को नॉर्मल रखने में मदद देती है। सुबहान अल्लाह, ये देखें ये डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी में सबसे पहले फूल को अलहदा कर लेंगे और पानी गर्म होने के बाद इसमें फूलों को उबाल लेंगे। उबालने के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। ये चार अदद पेड़े और 2 किलो बीफ। बाकी अज्जा में 3 अदद प्याज जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, अदरक 2 चम्मच, लहसुन 2 चम्मच, सब्ज मिर्च 4 चम्मच, सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक, सब्ज धनिया, चंद सब्ज और सुर्ख मिर्चें, 4 से 5 टमाटर, 5 ऑयल को गर्म करने के बाद तमाम अज्जा इसमें डाल देंगे। तमाम अज्जा डालने के बाद साथ ही बीफ डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डालेंगे।
उसी आयल में इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और अब हम इसमें सरसों के फूल ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सब्ज मिर्चें डालेंगे। और हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आपकी बेहतरीन रेसिपी सरसों के फूल और बीफ तैयार है। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।